brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द करने को उठा फाड़ के फेंक देंगे। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार से अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की नौकरी मांगी तो ये आपका अधिकार है, सरकार आपको मना नहीं कर सकती। 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में सरकार 1,00,000 रुपया 8,500 रुपये हर महीने खटाखट डालेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है, ये जो अग्निवीर योजना है हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द करने को उठा फाड़ के फेंक देंगे। और जैसे पहले होता था, पेंशन मिलेगी, शहीद का कर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। देखिए, ये अग्निवीर योजना सेना नहीं चाहती, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है, पीएम ऑफिस ने ये योजना बनाई है। सेना को ये नहीं चाहिए और हम इसको रद्द करने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात आप जानते हो, आपको सालों काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर के दिन आपको पता लगता है कि पैसा देकर बेईमानों ने पेपर लीक करवा दिया और आप देखते रह गए। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये जो आजकल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करवा रही है, इसको हम बंद करवा देंगे। अब मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला, क्रांतिकारी योजना है। अब मैं आपको युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप जानते हो, अरबपतियों के बेटे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं। 6 महीने की उनको नौकरी मिलती है, बड़ी सी बड़ी कंपनी में जाते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, बैंक में पैसा आता है और फिर वो परमानेंट जॉब में जाते हैं। मगर ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कभी नहीं मिली। बड़े बड़े अरबपति अपने बेटे को अपनी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, मगर हमारे युवा भटकते रहते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं। तो हमने एक नई योजना लाई है, इसका नाम पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, कॉलेज के ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, आप सुन लो, ये आपके लिए योजना है। इससे आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। तूफान आने वाला है, प्राइवेट कंपनियों में, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर में और सरकारी ऑफिसेज में हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। मतलब अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार से अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की नौकरी मांगी तो ये आपका अधिकार है,
सरकार आपको मना नहीं कर सकती। एक साल की नौकरी मिलेगी, उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, VHEL, HEL जैसे कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में, एक साल आपकी ट्रेनिंग होगी, एक साल में आपके बैंक अकाउंट में सरकार 1,00,000 रुपया 8,500 रुपये हर महीने खटाखट डालेगी। उसके बाद एक साल के बाद आप ट्रेंड होंगे, हिंदुस्तान के पास एक ट्रेंड वर्कफोर्स होगी, और अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। क्रांतिकारी काम है और ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। यहां किसान भाई हैं और नरेंद्र मोदी जी ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया है। मैं जानता हूं आप देखते हो अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, दिल में आपको दर्द होता है, और जब अपना अनाज बेचने जाते हो आपको सही रेट कभी नहीं मिलता, और आपके दिल में यही दो सवाल हैं। पहला, हमारा कर्जा कभी माफ क्यों नहीं होता, और दूसरा, हमें धान के लिए, शुगर केन के लिए, गेहूं के लिए सही दाम कभी नहीं मिलता, क्यों? तो इन दो सवालों के जवाब मैं आपको देने आया हूं। जैसे हमारी सरकार आएगी, जैसे हमने यूपीए के समय किया था, वैसे ही हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और सिर्फ एक बार नहीं भाई, हम किसानों का एक कमीशन बिठाएंगे, और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी वो कमीशन किसानों का कर्जा माफ करेगा। और दूसरा काम, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम, पहली बार हिंदुस्तान में किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दी जा रही है। सारे के सारे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। अब यहां मजदूर बैठे हैं, खड़े हैं, आप कहोगे गरीबों के लिए आपने काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों का क्या होगा? सबसे पहले महालक्ष्मी योजना में आपका फायदा होगा, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1,00,000 रुपया आएगा। मगर हम बात वहां नहीं रोकेंगे। मनरेगा का आज कितना पैसा बनता है, कितना है रेट, कितना मनरेगा का, कितना है मनरेगा का? 200, चुनाव के बाद 400। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को क्या रेट मिलता है, कितना? उसे डबल कर दो, दुगना कर दो उसे। तो दो चीजें आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले संविधान की रक्षा, और दूसरी चीज, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने जा रही है। कर लो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।